ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड गाइस इस कॉन्सेप्ट में मैं बताऊंगा आप सभी को कि गाइस आप इस बैकग्राउंड में अपने दो मॉडल कैसे ऐड कर सकते हो। तो गाइस आप सभी को ज्यादा कुछ करना नहीं, वीडियो को बस कंप्लीट देखना है। बाकी मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि आप सभी को दोनों मॉडल कैसे ऐड करना है इस बैकग्राउंड में। तो बस आप सभी से गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी गाइस मैंने आप सभी के लिए नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जिसमें गाइस मैं आप सभी को इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूं। तो गाइस आप सभी में से कोई भी भाई अगर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज यार उस चैनल पर जाकर विजिट करना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइस चलिए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना क्या, गाइस आप जो अपने मॉडल का फोटो क्लिक करोगे गाइस उसका बैकग्राउंड ट्रेस करने के लिए आपको पिन इसका ड्रॉ टूल का यूज़ करना है। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे अपने को लेयर को अपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे हम इरेजर पर क्लिक करेंगे एंड इरेजर पर क्लिक करने के बाद गाइस उसकी हार्डनेस को क्यूब रखना है आपको 90 तक एंड जो साइज होगा अपने अकॉर्डिंग रख लेना है एंड यहाँ पे फोटो को जूम करके फटाफट से इरेज कर लेना है। जिसको इरेज करते ही गाइस आप सभी को फिर अपने इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिर उसके बाद जाना है ऐड फोटो में एंड गाइस यहां से आप सभी को दोनों मॉडल को ले लेना है। ठीक है, सो पहले हम इस वाले मॉडल को ले लेते हैं एंड गाइस उसके बाद हम इसका फुल साइज करके कुछ स्टेप्स ऐसे यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस अभी डन नहीं करना है क्योंकि हमें दूसरा मॉडल भी ऐड करना है। तो यहाँ से हम ऐड फोटो में जाएंगे, दूसरे मॉडल को ले लेंगे एंड जो गाइस हमारा दूसरा मॉडल है यहाँ पे गाइस आपको कुछ स्टेप्स है यहाँ पे देखना है साइज को गाइस। ठीक है, एंड जो हैंड है उसको भी उसके हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ पे आपको साइज और उसको देख लेना है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स रख देना आप सभी को एंड यहाँ पे ऐसे रख देने के बाद आप सभी को देखना है कि गाइस एकदम आपके जो हैंड है जो मतलब दूसरे मॉडल का जो साथ जो आप सपोर्ट लेके फोटो क्लिक करवाओगे उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हैंड जो है दोनों एकदम बराबर हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पे इरेजर टूल में जाकर थोड़ा सा जो एरिया रह गया मेरा गाइस तो मैं यहाँ पे ऑपोजिट हार्डनेस फुल कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, ओके गाइस सो हमने यहाँ पे भी रेस कर लिया है। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हमें एक थोड़ा समय गाइस आपको एक ग्रास का पीएनजी दे दूंगा। ठीक है, तो उसको आपको ले लेना है। ऐसे हम ऐड फोटो में चल के उसको ले लेते हैं पहले, तो उस पीएनजी को यहाँ पे हम ऐड करते हैं एंड उसके बाद ये गाइस इसको आपको ग्रास का पीएनजी जगह जैसे फुल स्क्रीन करके एंड कुछ हिस्सा सबको नीचे की तरफ रख देना है। तो एक गाइस यहाँ पे गाइस थोड़ा सा एक अच्छा सा लुक आ जाएगा इस ग्रास से, तो आपको यूज़ कर लेना है इसको भी अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद गाइस आपको जाना है ऐसे अगेन ऐड फोटो में एंड ऐसे गाइस आप सभी को विग्नेट का पीएनजी ले लेना है ये वाला एंड गाइस इसको आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स ऐसे ऐड कर देना है एंड यहाँ पे कुछ स्टेप्स ऐड हो जाएगा। अब आप सबको फिर यहाँ पे डन कर देना है। देन गाइस आपको जाना एडजस्ट में एंड यहाँ पे एडजस्ट में जाकर फिर आप सबको यहाँ पे इसका सैचुरेशन जो होगा उसको -10 तक रख देना है। इससे क्या होगा गाइस जो आपके जितने मॉडल एंड जो बैकग्राउंड होगा सब कुछ मैच हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे गाइस हम फोटो को सेव करते हैं, इसको लेके चलते हैं स्लाइड रूम ऐप में। लाइट रूम में ले जाने के बाद गाइस आप सबको फिर चले जाना स्लाइड वाला ऑप्शन में। इसका जो कॉन्ट्रास्ट होगा आपको उसको बढ़ा देना है, जो हाईलाइट होगा गाइस इसको इंक्रीज कर देना है, जो शेडो होगा गाइस इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो शेडो जो होगा आपको उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं यहाँ पे एंड उसके बाद आपको जो यहाँ पे व्हाइट वाला ऑप्शन मिलेगा गाइस इसमें आपको थोड़ा कम कर देना है, जो ब्लैक होगा गाइस इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड चले जाना कलर्स वाला ऑप्शन में, इसकी वाइब्रेशन जो होगी इसको बढ़ा देना है, जो टेम्परेचर होगा उसको कम कर देना है। फिर जाना कलर मिक्स में ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना, सैचुरेशन थोड़ा माइनस करके एंड ल्यूमिनस आप बढ़ा सकते हो आपके फेस के अकॉर्डिंग। फिर येलो कलर में जाकर इसका ह्यू माइनस कर देना एंड सैचुरेशन प्लस कर देना है। फिर जाना ग्रीन कलर में आपको इसका ह्यू जो होगा इसको प्लस कर देना है, जो सैचुरेशन होगा इसको भी प्लस कर देना है। फिर जाना डार्क ब्लू में गाइस आप इसका सैचुरेशन चाहो तो कम कर सकते हो एंड इसको पर्पल कलर में जाकर आप उसका सैचुरेशन माइनस करना है एंड पिंक कलर का भी सैचुरेशन माइनस कर देना है। फिर चले जाना है यहाँ से डन एंड उसके बाद से जाना नीचे वाला टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी होगी आपको उसको बढ़ा देना है एंड जो फोटो में विग्नेट होगा वो हल्का सा डाल देना है। फिर नीचे स्क्रॉल करोगे आपको मिला ग्रेन माउंट, आपको उसको भी बढ़ा देना है एंड जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी गाइस आपको उसको इंक्रीज कर देना है एंड जो गाइस नोड रिडक्शन होगा आपको उसको भी बढ़ा देना है।
फिर नीचे स्क्रॉल करोगे आपको मिलेगा कलर नोटिफिकेशन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने, तो गाइस ऐसा करता है आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब।